अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके जर्न बाय हनीवेल सिस्टम में अगर आपके पास एनवीएम का ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि अभी मैं सेटअप पे जाके आपको चेक करवाता हूँ। प्रोटेक्ट एनवीएम डिसेबल लेटर, जैसे ये एनवीएम इज़ नॉट राइट प्रोटेक्टेड एट कार्ड 14 आ रहा है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं आती, एनवीएम इज़ रीड ओनली आता है, तो उसको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे आपने उसका सलूशन निकालना है। ये देखिए, अभी एनवीएम इज़ राइट प्रोटेक्टेड एट कार्ड 14 आ रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको कैसे हल करना है। बेसिकली जब आप ये करते हैं तो इसके अंदर ना एमसीसी कार्ड लगा हुआ है, एमसीसी कार्ड के ऊपर ये एक जम्पर लगा हुआ है इस तरह का, ये बेसिकली जम्पर होता है। और इसमें अगर आप जम्पर को देखेंगे, इसमें अनप्रोटेक्टेड होता है और ऊपर अगर जम्पर करेंगे तो प्रोटेक्टेड होता है। अगर ये वाला ब्लू वाला जम्पर आप अगर ऊपर कर देंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर एनवीएम जो है वो रीड ओनली करेगा और इसमें किसी किस्म की एनवीएम जो है ये वाला ऑप्शन नहीं देगा। जैसा भी मैंने लास्ट किया था, प्रोटेक्ट पे जाके एनवीएम डिसेबल करूँगा, ये एनवीएम इज़ नॉट राइट प्रोटेक्टेड ये नहीं आएगा, ना ही आपका सिस्टम बैकअप होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इस जम्पर को प्रोटेक्ट कर दिया है। जहाँ भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है या जिस किसी किस्म की भी एक्टिविटी करनी है, तो इसने आपने इस जम्पर को डाउन कर देना है, अनप्रोटेक्ट पे कर देना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको अनप्रोटेक्ट पे कर दिया है। ये एमसीसी कार्ड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड की पे लगा होता है और ये इस पर मैंशन भी है अनप्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट का। तो जब भी आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपने ये अनप्रोटेक्ट पे कर देना है जम्पर को। अगर आपके पैनल पे ऑप्शन आ रहा हो कि एनवीएम रीड ओनली का, एनवीएम रीड ओनली अगर आपके पास मैसेज आ रहा, तो आपने ये एमसीसी कार्ड के जो जम्पर है वो लाजमी चेक कर लेना है, आया वो जम्पर कहीं प्रोटेक्ट पे तो नहीं लगा हुआ। अगर प्रोटेक्ट पे है तो वो आप उसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो सिस्टम आपका ओके हो जाएगा और ये एनवीएम रीड एंड राइट दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।